हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतास किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बेसन के लड्डू, जिनको आप घर में बहुत ही कम चीज़ों से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 ग्राम ले रही हूँ घी। घी जब मेल्ट हो जाए इनमें ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम बेसन। मिक्स करेंगे और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए भून लेंगे। घी पूरी तरह से बेसन से अलग हो जाने तक। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सूजी। इससे लड्डू दानेदार बनेंगे। मिक्स करेंगे और इन दोनों को फिर से लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए भून लेंगे। हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे। अब बेसन को प्लेट में लेकर ठंडा कर लेंगे। बेसन जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 3 टेबल स्पून दे रही हूँ पिसी हुई चीनी। मीठा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। जितने बड़े लड्डू आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ही डो ले लें और हाथों में रोल करके स्मूथ कर लेंगे। ऊपर से थोड़े से पिस्ता, चॉप कीवी पर स्मूथ कर लेंगे और हमारी बेसन के लड्डू बन चुके हैं। एक ही तरह से और भी बना लेंगे। रोल करके स्मूथ करेंगे ऊपर से कटा हुआ पिस्ता। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।